गया के बाराचट्टी थाना क्षेत्र का मामला बताया जाता है। घोड़सारी जीटी रोड के उत्तर साइड भोला गुप्ता और महेशी गुप्ता के घर के समीप लगभग 11 बजे की घटना है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगे किनारे पेड़ काटे जा रहे थे। सुरक्षा की कमी के कारण गांव वालों ने कट रहे पेड़ के चपेट में आने से एक व्यक्ति शिवव्रत मांझी पर ही पेड़ की मोटी टहनी गिर गई और बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसे आनन फानन में बाराचट्टी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ स्वास्थ्य प्रभारी ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की आहट सुनते ही जनों में शोक की लहर मातम छा गया। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतक शिवव्रत मांझी बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बजरकर पंचायत से घोड़सारी गांव के निवासी थे, जिनकी उम्र 62 वर्ष बताई जाती है। जिनके 5 बच्चे हैं, 3 बेटी और 2 बेटा, और अपनी पत्नी को छोड़कर अलविदा हो गए हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। गांव वालों ने सबको जीटी रोड पर लगाकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क घंटों जाम रखा गया था। जाम की सूचना मिलते ही बाराचट्टी थाना अध्यक्ष राम लखन पंडित, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार मौके पर पहुंचे। ग्रामीण जनता को समझा बुझाकर जाम को काफी मशक्कत के बाद छोड़ा गया। थाना अध्यक्ष राम लखन पंडित ने पंचनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए गया अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने तत्काल मृतक परिवार के सदस्य को करीब अंत्येष्टि के लिए 3,000 मुखिया पति विनोद मांझी के द्वारा दिया गया, वहीं 30,000 का पारिवारिक लाभ पंकज कुमार के द्वारा दिया गया। चेक के द्वारा समाज सेवी और जदयू के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा, बालेश्वर यादव मौके पर पहुंचकर मृतक परिवारों को सांत्वना दिया और समझा बुझाकर सड़क पर लगे जाम को छुड़ाया गया। घटना हुआ सर, यूनिशाई का जो रोड का जो चौड़ीकरण हो रहा है उसी को लेकर करके वृक्ष की कटाई की जा रही थी, और उसी दरमियान एक व्यक्ति उसी पेड़ के नीचे आ गया, उसकी तत्काल मृत्यु हो गई और उसके बाद रोड जाम कर दिया गया। तो जो मुआवजा होता है उसको दिया गया है और आगे देंगे। और फिर तो रोड चालू हो चुका है सर, प्रशासन की ओर से क्या मुआवजा में दिया गया अभी तत्काल? अभी तत्काल जो कबीर अंत्येष्टि का 3,000 रुपया दे दिया गया, किस तरह का चेक अभी हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावे वन विभाग की तरफ से, क्योंकि वन विभाग के माध्यम से ही हो रहा था, तो वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, अगर कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ मुआवजा मिले इनको। घटना के बारे में बताएं आप। सड़क चौड़ीकरण के क्रम में सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ को काटी जा रही थी संबंधित इंसान द्वारा, और गांव के लोग सब अगल बगल में वहां पर खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। उसी क्रम में सुरक्षा व्यवस्था कुछ उस हिसाब से नहीं किया गया था संभवतः, जिसके चलते पेड़ गिरा और उसके चपेट में मृतक शिवव्रत मांझी आ गए, जिससे उनकी मृत्यु। तत्काल मृतक के परिजन को क्या मुआवजा दिया गया? तत्काल मृतक के क्रम परिजन को 3,000 रुपया मुखिया के तरफ से दाह संस्कार के लिए दिया गया है, और वीडियो साहब के द्वारा 20,000 का चेक अभी दिया जाएगा। और इसके अलावे जो सरकार के तरफ से जो नियमानुसार मुआवजा मिलती है उसके लिए हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं।